देख रहा है विनोद, नमस्कार, देख रहा है विनोद। आप लोग विद्यार्थी हैं, मैं भी विद्यार्थी ही हूँ, तो एक कविता आप लोग के सामने शुरू करता हूँ और फिर आगे बातचीत होगी। हंसो हंसो जल्दी हंसो, तुम पर निगाहें रखी जा रही हैं, हंसो अपने पर न हंसना क्योंकि उसकी करवाहट पकड़ ली जाएगी और तुम मारे जाओगे। ऐसे हंसो कि बहुत खुश न मालूम हो, वरना शक होगा कि ये शख्स शर्म में शामिल नहीं है और तुम मारे जाओगे। हंसते हंसते किसी को जानने मत दो कि किस पर हंसते हो, सबको मानने दो कि तुम सबकी तरह परास्त होकर एक अपनापे की हंसी हंसते हो। जैसे सब हंसते हैं बोलने के बजाय, जितनी देर ऊंचा गोल गुंबद गूंजता रहे उतनी देर तुम बोल सकते हो अपने से, गूंज थमते थमते फिर हंसना क्योंकि तुम चुप मिले तो प्रतिवाद के जुर्म में फंसे, अंत में हंसे तो तुम पर सब हंसेंगे और तुम बच जाओगे। हंसो पर चुटकुलों से बचो, उनमें शब्द है, कहीं उनमें अर्थ है जो किसी ने 100 साल पहले दिए हो। बेहतर है कि जब कोई बात करो तब हंसो, ताकि किसी बात का कोई मतलब न रहे, और ऐसे मौक़ों पर हंसो जो कि अनिवार्य हो, जैसे किसी गरीब पर किसी ताकतवर की मार, जहां कोई कुछ नहीं कर सकता उस गरीब के सिवाय, और वो भी अक्सर हंसता है। हंसो हंसो जल्दी हंसो, इससे पहले कि वो चले जाएं, उनसे हाथ मिलाते हुए नज़रें नीची किए उनको याद दिलाते हुए कि तुम कल भी हंसे थे। धन्यवाद। एक अंतिम वाक्य है कि चार्ली चैपलिन से लेकर दुर्गेश कुमार तक, हम जो हंसाते हैं हम खुद नहीं हंसते, हम करतब दिखाते हैं। तो इसमें लेखक ये कहना चाहता है कि हंसो, लेकिन लड़कियों के लिए हंसना थोड़ा दुर्घटनादारी हो जाता है, क्योंकि हंसी तो फंसी वो वाला मामला नहीं है, अश्लीलता नहीं है इसमें, इसमें सामाजिक प्रतिक्रिया है। एक घटना है कि एक डॉक्टर थे, वो बोलते थे कि हंसना मतलब विजातीय तत्वों का विकार निकालना है। उनकी एक नर्स थी, वो विजातीय तत्वों का विकार निकालने के लिए हंसती थी। आजकल वो उनकी पत्नी है और वो हंसना भूल गए। देख रहा है बिनो, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जा रहा है, यहाँ अंग्रेजी क्लास दे दे के कैसे यूपीएससी क्लियर किया जा रहा है। इंग्लिश क्लास देख के मैं एसएससी क्लियर करवा रही हूँ ना, यूपीएससी को तो ऑनलाइन क्लियर करवाती हूँ कंपल्सरी इंग्लिश में। आपका बहुत बहुत स्वागत है, हमारे स्टूडेंट्स आपका इंतजार कर रहे थे, बहुत देर से इंतजार कर रहे थे और पूछ भी रहे थे, वही जो कहते हैं देख रहा है ना विनोद। थैंक यू फॉर कमिंग सर, थैंक यू। तो एक बार फिर से तालियों के साथ ये सब इतने एनर्जी इतने उत्साह के साथ भरे रहते हैं, मुझे लगता है मैं अगले 50 साल तक जवान रहूंगी। सर मुझे एक दो क्वेश्चंस पूछना था। जी जी। आपने तैयारी किस चीज की थी? मैंने इंजीनियरिंग की तैयारी की। तो आपका इंजीनियरिंग एग्जाम में हो गया? नहीं नहीं हुआ, मैंने 4 अटेम्प्ट दिया, मुझे लग गया मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इवन इंग्लिश भी बहुत कमजोर है, तो मैंने छोड़। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश तो बचा क्या? हाँ तो वही तो बताऊँ, मैंने गलत सब्जेक्ट चूज कर लिया। आपको लगता है सर कि स्टूडेंट्स को ऐसी चीज करनी नहीं चाहिए जिसमें जबरदस्ती करवाया जा रहा है? जी हाँ। आप इंजीनियरिंग अपने मर्जी से किए थे? नहीं नहीं नहीं, वो मेरे पिताजी का दबाव था कि आप इंजीनियर बन जाओ। अच्छा, तो उसके बाद फिर आपने क्या किया? उसके बाद मेरे बड़े भाई है, वो थोड़े दूरदृष्टा है। हाँ। तो उनको मैं फोदर दोस्ती बोलता हूँ, रसिया के एक बहुत बड़े राइटर हुए, तो उन्होंने बोल दिया कि बाबू एक्टिंग में ट्राई करो,
मनोज वाजपेयी का 98 में मैट्रिक दे रहा था, मनोज वाजपेयी का खूब इंटरव्यू आ रहा था, लेब बिहारी कमाल किया हुआ है। तो मेरे भाई ने बोला एक्टिंग में ट्राई करो, और उसने मुझे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए एक एक्टिंग वर्कशॉप दिलाई, और उससे 2001 से आज तक मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। एक्चुअली एक्टिंग भी आपको फोर्स किया गया कि दिल से निकला? नहीं, एक्टिंग में मजा आने लगा क्योंकि उसमें सब कुछ हिंदी में होता है। लेकिन सर मैंने एक चीज और सुना कि बॉलीवुड में जो स्क्रिप्ट भी लिख के आते हैं हिंदी डायलॉग्स के, वो भी इंग्लिश में लिख के आते हैं। जी जी, रोमन में लिखा रहता है, पर इतना अंग्रेजी एक्टिंग सीखते सीखते सीख लिया मैं कि आजकल मैं ओथेलो भी कर रहा हूँ। शेक्सपियर कोई एमए पीएचडी नहीं किया था, पर सबको शेक्सपियर पढ़ना पड़ता है। फिर लाइफ 2001 से आपकी क्या बॉलीवुड में? 2001 से मैं एनएसडी के प्रिपरेशन में लग गया। अच्छा, उससे पहले नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आप गए? जी, मैं वहाँ, मैं उससे पहले मैंने एसआरसी किया। एसआरसी में देखिए, जीवन में अगर आप असफलता का सेलिब्रेशन नहीं करते हैं तो सफलता नहीं मिलेगी, ये आप जान लीजिए। तो जब भी आप फेल होइए, दो रसगुल्ला ज़्यादा खाइए कि मैंने प्रयास किया और फेल हो गया। तो इसलिए मैं दो बार एसआरसी दिया, मेरा नहीं हुआ, श्री राम सेंटर परफॉर्मिंग आर्ट, तीसरी बार दिया मेरा हो गया। फिर उसके बाद एनएसडी दो, एक बार दिया फेल हो गया, दूसरी बार दिया पास हो गया। फिर रेपेटरी कंपनी एक बार दिया फेल हो गया, फिर दूसरी बार दिया पास हो गया। तो मैं दूसरी बार में पास होता रहा हूं और आप लोग की कृपा से यहां तक पहुंचा हूं। तो आपका इंस्पिरेशन कौन है सर, किसको लेकर फॉलो करते हैं? मनोज वाजपेयी जी हमारे भगवान हैं। अच्छा, एक चीज और पूछना सर कि जैसे आपने कहा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए क्या आप लोगों को कोई तैयारी करके कोई वहाँ भी एंट्रेंस एग्जाम है क्या? जी, वहाँ पे एक क्वेश्चन हिंदी में, एक क्वेश्चन अंग्रेजी में लिखना पड़ता है, रिटर्न हो गया, उसके बाद ऑडिशन होता है। आप कम से कम 6 नाटकों में पार्टिसिपेट किए होने चाहिए और ग्रेजुएट होने चाहिए, उसके बाद आप एंट्रेंस दे सकते हैं। ऑडिशन क्लियर करने के बाद पूरी दुनिया से सिर्फ 100 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, फिर उनका 5 दिन का वर्कशॉप होता है। उस वर्कशॉप के साथ पूरी दुनिया से सिर्फ 20 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, उसमें से हम भी एक थे। और उस एग्जाम में बैठने वाले कितने लोग होते हैं? उस एग्जाम में टोटल अभी तक जो औसतन है पूरी दुनिया से 5000 लोग बैठते हैं। इसका मतलब है कि वहाँ तो और भी टफ कॉम्पिटिशन है। जी, वहाँ तो रत्ती भर कंपटीशन है, होने वाले को खुद पता नहीं क्यों हो जाता है और नहीं होने वाले को खुद पता नहीं क्यों है। यहाँ पे एसएसबी का सेम हाल है कि होने वाले को पता नहीं होता है क्यों हो गया। एसएसबी की बात कर रही हूँ मैं, है ना, और जिनका नहीं होता उनको भी पता नहीं होता क्यों नहीं हुआ। अच्छा, नेक्स्ट आपका क्या आने वाला है जो हम लोग देख सकते हैं ऑन टेलीविजन? गैंग्स ऑफ गाजियाबाद एक वेब सीरीज आने वाली है। गैंग्स ऑफ गाजियाबाद और एक कर्तव्य करके फिल्म आने वाली है सैफ अली खान के साथ, और एक प्रतीक गांधी जी के साथ 1.5 बीघा जमीन आने वाली है। और आप ये जो पंचायत आपका सीरीज था उसका पंचायत मई के लास्ट में आएगा, अंदर की खबर है, बताना मत किसी को। भूषण है जिसको लोग गाली देते हैं एज ए बनराकस, गांव में नहीं बोलता चट्टा कमीना। तो बनराकस क्या होता है, ये क्या है? बनराकस बन का राक्षस। जो फुलेरा गांव है वो एक वन है और उसका राक्षस है बनराकस, हर चीज में सवाल उठाता है, ऐसे काय कर रही है जी, ऐसे काय कर रहा है जी, तो ये करना शुरू कर देता है, जो अच्छा भी है वर्तमान समाज के लिए, लेकिन पर्सनली किसी के लिए गलत भी हो सकता है, तो यही है बनराकस। अच्छा, हम लोग जो देखते हैं सर वो तो बिल्कुल एकदम
जो परफेक्ट चीज होता है वो देखते हैं जी। सेट के पीछे की कुछ बात बताइए जो आपको कुछ स्ट्रगल की याद दिलाए या कुछ प्रॉब्लम्स बताए लाइफ के। देखिए मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, आप लोग विद्यार्थी लोग हैं, लो पॉइंट बहुत आता है लाइफ में। मेरे बाबूजी को ब्रेन हेमरेज हुआ, उसके बाद मैं डिप्रेशन में गया, उसके बाद मैंने पंचायत 2 शूट करी, रेड चिली की भक्षक शूट करी, और उसके बाद मैंने शूट करा आमिर खान प्रोडक्शन हाउस की लापता लेडीज। तो मैंने ये 3 काम डिप्रेशन में किया है। कभी किसी कोई चीज को ये मत समझना कि अंत है, उसके बाद सूरज चमकेगा, ये याद रखना। देखिए हम लोग जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, ये बस जिंदगी में एक ब्रेक का इंतजार कर रहे हैं कि जिंदगी कब उन्हें ब्रेक देगी। आपको ये पंचायत में ब्रेक कैसे मिल गया? जी नवनीत नागा करके कास्टिंग बे के कास्टिंग डायरेक्टर है, उन्होंने मुझे एक दूसरे रोल के लिए बुलाया था, जो एस्पिरेंट के राइटर है वो रोल किए थे, तो मैंने उसमें ऑडिशन दिया, मेरा हुआ नहीं। फिर उन्होंने बोला एक दिन का काम है, करोगे क्या? तो मैंने बोला करूँगा जरूर। फ्लाइट से गया, 2.5 घंटे में शूट किया, आ गया फिर बॉम्बे। वो वही डायलॉग था, 2 बच्चे हैं मीठी खीर उससे ज़्यादा। तो आपको क्या लगता है सर, जिंदगी में स्ट्रगल हमेशा चालू रहेगा, जारी रहेगा? प्लीज बिलीव मी, मैम जो पढ़ाती है वो दिल लगा के पढ़ो, और रशियन लिटरेचर को चाट जा। ये इंग्लिश लिटरेचर तो पढ़ने को तैयार। मैम की सहायता के लिए बोल रहा हूँ, रशियन लिटरेचर को इंग्लिश में पढ़ो, इंग्लिश में। एक बात बताइए सर, आपकी हॉबीज क्या है? खाना बनाते हैं आप? मैं खाना बनाता हूँ, मैं मछली बहुत अच्छा बनाता हूँ, रेहू मछली सरसों पीस के लहसुन डाल के। ये सारे बिहारी तो जानते ही होंगे। माछ भात झोर है बगाचा गा। एक बार बताइए, तो अपनी वाइफ को बना के खिलाते हैं? जी मेरी शादी नहीं हुई। क्यों शादी क्यों नहीं किया आपने? एक ब्रेकअप हो गया था, उसके बाद लड़कियों से मोह मुक्त हो गया मैं। मतलब आपका भी कटा है? हाँ मेरा तो अच्छा वाला कटा है। अच्छा आप जो लिटरेचर की बात कर रहे हैं जी, क्या आप लोगों को भी पढ़ना पड़ता है? जी मैम मेरे साथ अभय इधर आओ, ये सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है NSD से। वैसे तो मतलब देखा जाए तो थ्योरेटिकल आप लोग सोचते हैं कि खाली मतलब हम लोगों को पढ़ना नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे लगता है कि एक्टर की पढ़ाई ही सब कुछ है। जैसे हम लोग जो पढ़े ना, जैसे वर्ल्ड ड्रामा है, तो इस टाइम हम लोगों की वर्ल्ड ड्रामा चल रहा है, डायरेक्शन थ्योरी की क्लासेस चल रही हैं, एक्टिंग पेजेस चल रहा है, तो प्रैक्टिकल के साथ साथ में थ्योरी भी बहुत ज़रूरी है। तो मोस्टली मतलब जितना भैया अभी बता रहे थे रशियन लिटरेचर, तो हम लोग को रशियन पढ़ना पड़ता है। अरे सच में यार, चेखो के नाटक बहुत सारे होते हैं यार, तो कहानी वो टॉल्स्टॉय, फ्योदर दोस्तोवस्की, मैक्सिम गोर्की। इसका मतलब है जो हम लोग ये लोग रोते रहते हैं जी, कि बस पढ़ाई पढ़ाई, तो आप लोग के लाइन में तो जिंदगी भर पढ़ाई है। जिंदगी भर अस देखो, हमने इसको बोला कि बाबू एक दिन एक्टिंग करना है, 3 साल एक्टिंग करना है कि 4 साल एक्टिंग करना है, डिसाइड कर लो। तो बोला सर हमको तो 80 साल एक्टिंग करना है। तो वही डिसाइड कीजिए, 80 साल NDA करना है, 80 साल SSC करना है, 80 साल देश की सेवा करना है। ये चीज़ आज गांठ बांध के लिख लीजिए कि 80 साल करना है, तब किसी क्षेत्र में पैर रखिए। अच्छा एक बात बताइए सर, आपका जो स्ट्रगल है तो क्या बहुत हैवी स्ट्रगल था कि बस ठीक? नहीं नहीं, मेरे पिताजी प्रोफेसर हैं और मेरे बड़े भाई जी केमिस्ट्री के टीचर हैं, तो पढ़े लिखे परिवार, मेरे दादाजी किसान थे, तो मेरा बड़े पिताजी जो है वो पढ़ के प्रोफेसर बन गए। तो वो एक चीज बोलते थे, लिख विद्या घिस पत्थर आ 16 दुनिया 8। नहीं समझे? तो कहने का मतलब घोसो लिखो पढ़ो, यही हम लोग को शिक्षा मिली है। तो हमको पैसे की दिक्कत नहीं हुई, लेकिन हाँ बीच में काम नहीं मिलता था तो मन फ्रस्ट्रेट होता था। कौन जिला सर? दरभंगा जिला, बिहार बाबू। चलो एक डायलॉग और सुनाता हूँ तब तक।
एक आदमी है जो आप लोगों की तरह है, लेकिन उसने मेहनत किया और रशियन लिटरेचर में तूफान मचा दिया, उसका नाम है चेखव। उसने एक प्ले लिखा, उसका एक कैरेक्टर है जो आप ही लोगों के बीच है। एक मिनट सुनिएगा लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं कहां से शुरू करूं। जब मैं नीलामी घर पहुंचा तो वहां देर का नौ पहले से मौजूद था। लियंडर एंड्रोविच के पास सिर्फ 15,000 रूबल थे और देर का नौ ने पहली बोली ही मॉर्गेज की रकम से 30,000 ज्यादा की लगाई। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने 45 बोला, उसने 55। वो हर बार 5,000 जोड़कर बोलता गया और मैं 10,000 जोड़कर बढ़ाता गया। आखिर मामा कल को, ओ माय गॉड, ये चेरी ऑर्चर्ड मेरा है, ओ माय गॉड, नीतू मैम के सामने खड़ा हूं मैं, ओ माय गॉड, जहां मेरे बाप दादाओं को घुसने की इजाजत नहीं थी, सर्दियों में नंगे पैर में हाफ पैंट पहन के भागा फिरता था, आज मैंने वो जगह खरीद ली। ओ वारिया से फेंक दी है, वो दिखाना चाहती है कि वो उस घर की मालकिन। नहीं नहीं, खैर कोई बात नहीं, बैंड वालों बजाओ बजाओ, आज मैं बहुत खुश हूं। एक डायलॉग आप लोग के लिए बहुत अच्छा और नया है, देख रहा है बिनो कैसे अंग्रेजी क्लास ले लेके सरकारी नौकरी की तैयारी की जा रही है। अरे हमको स्टील वाला चुनौती बहुत बढ़िया लगता है। एक मेरी फिल्म आई है यार, नेटफ्लिक्स पे जरूर देख लेना, उसमें भी एक सीन है जो वायरल हो रहा है, वो सुना देता हूँ, थोड़ा अभद्र है, लेकिन कोई प्लीज डांट माइंड मत करना, मतलब देखो अंग्रेजी में मैं भी फंस जाता हूँ, मैडम की क्लास तो लेनी पड़ेगी मुझे भी। हाँ तो उसका है, आप हमको शक्ल अकल से कह रहे थे, आपको विस्तार से समझा दें कि आप शक्ल से अकल से और नस्ल से भी क्या आदमी है। पढ़ा एक छोटी सी कविता है, सुन लीजिए। हम लोग उसी क्षेत्र के लिए निकल रहे हैं, समाज के लिए निकल रहे हैं, समाज को बदलना भी जरूरी है, नौकरी भी करना है, तो एक छोटी सी कविता है। मैं घास हूँ, मैं आपके हर किए धरे पर उगाऊंगा, बम फेंक दो चाहे विश्वविद्यालय पर, बना दो हॉस्टल मलबे का ढेर, सुहागा फिरा दो भले ही हमारी झोपड़ियों पर, मेरा क्या करोगे, मैं तो घास हूँ, हर चीज पर उगाऊंगा। बंगे को ढेर कर दो, संगरूर को मिटा डालो, बंगाल जिले का नाम है, बंगे को ढेर कर दो, संगरूर को मिटा डालो, धूल में मिला दो लुधियाना का ज़िला, मेरी हरियाली अपना काम करेगी, 2 साल 10 साल बाद सवारियां किसी कंडक्टर से पूछेंगी, ये कौन सी जगह है, मुझे बरनाला उतार देना, जहां हरे घास का जंगल है। मैं घास हूं, मैं अपना काम करूंगा, मैं आपके हर किए धरे पर उगाऊंगा। धन्यवाद।